कैंपस में घुस के पुलिस हमें मार रही है, वहाँ जाके वहाँ उन स्टूडेंट्स को मार रही है। यहाँ जाने के लिए पुलिस को परमिशन नहीं चाहिए थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए। आप गेट के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। वो चाहते हैं कि बच्चे चुप रहे, कोई कुछ ना बोले, सब चुपचाप, हम जो करते हैं सब चुपचाप सह ले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। पुलिस ने जामिया में घुसने के लिए परमिशन का वेट नहीं किया, जहाँ पे उन्हें मारना था लोगों को, लेकिन जब उनको बचाना था लोगों को तो वो परमिशन का वेट कर रहे थे कि उनको परमिशन मिलेगी एंट्री की, तो वो अंदर जाएंगे। कल जेएनयू में हुआ, बहुत बुरा हुआ, गुंडे घुसे वहाँ पे, एवीपी के गुंडे, और सारे मुंह बांध के लड़कियों पे, हॉस्टल में घुस के लड़कियों को मारे। बार को जेएनयू में जो हमला हुआ है वो पूरी तरह से प्रशासनिक साठगांठ का नतीजा है। बिना प्रशासन का ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं था कि कोई बाहरी नगापोश आकर और कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये हमला कर दे। यहाँ प्रशासनिक सहयोग का बात इस कारण हो रहा है कि हम जितने भी वायरल वीडियो हुए या जो भी जानकारी प्राप्त हुई, चाहे वो साबरमती हॉस्टल से हो या पेरियार हॉस्टल से हो, वो सारे के सारे जगह से यही चीज़ पता चली है कि बाहर से लोग आए थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में घटना हुई है, नकाबपोशी लोग जो एक तरीके से आतंकी हमला किए हैं छात्रों के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है। कल जेएनयू के साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, एंड आई डोंट नो व्हाट दिस गवर्नमेंट वांट्स और व्हाट दिस गवर्नमेंट इज प्लानिंग, बट आई विल टेल दिस गवर्नमेंट कि यू शुड नॉट एजिटेट द स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी रिवॉल्यूशन आई है वो स्टूडेंट के मोमेंट से आई है। अरुण जेटली ने 1975 में उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज लाइक पंगा ले रहे हो आप स्टूडेंट से, एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज नॉट समथिंग यू गो। एंड वन मोर थिंग, कल जेएनयू में ना वहाँ पे गार्ड्स थी ना पुलिस थी, पुलिस थी तो उनको उस वक्त परमिशन चाहिए थी इंटरवीन करने के लिए, जबकि जामिया और एमयू में आप वहाँ पे थे ही नहीं, वहाँ पे परमिशन मिली थी आपको जाने के लिए। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, मारपीट की है, तो बहुत ही गलत है। चाहे वो जो भी है स्टूडेंट्स हैं या कहीं बाहर से आए हैं, जो भी हैं, उनको ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में घुसकर ये सब करने का कोई तरीका नहीं बनता है। और बाहर पुलिस भी खड़ी है, वो भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है, अंदर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है उनको रोकने के लिए, तो ऐसे कब तक ये लोग करते रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से अब तक इंसिडेंट हुए हैं, एएमयू, जामिया, जेएनयू, बीएचयू, ये हर जगह हुआ है, और जो जेएनयू में हुआ वो मतलब मैं जब जामिया में हुआ था तब मैं कह रही थी कि हिंदुस्तान में ये काली रात माना जाएगा। मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी पर जब भी हमला होगा वो काला दिन ही माना जाएगा। सिर्फ उतना नहीं कर रहे जितना होना चाहिए। हमें कभी भी हमारे कैंपस में घुस के पुलिस हमें मार रही है, वहाँ जाके वहाँ उन स्टूडेंट्स को मार रही है। यहाँ जाने के लिए पुलिस को परमिशन नहीं चाहिए थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए। आप गेट के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो कि क्या कर रहे हो आप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।